ट्रेवल गियर दिया गया है ताकि टर्निंग रेडियस है वो। किसान भाइयों राम राम और सत श्री अकाल भाई सभी को, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो आज अपने रिव्यू करने वाले हैं पावर ट्रैक यूरो G28 तो 4x4 ट्रैक्टर है। तो सर इसके बारे में जानकारी देंगे, तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं स्कॉट लिमिटेड से एरिया मैनेजर हरियाणा में मैं हैंडल कर रहा हूँ। अभी हमारे भाई साहब आए हैं और मैं आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कस्टमर को सही जानकारी हो जाए और कस्टमर चूज करे ट्रैक्टर लें। तो ये GT20 के नाम से ट्रैक्टर आता है, Euro 28 के नाम से। ये गार्डन ट्रैक के लिए है, गार्डन के लिए जो बागवानी करना चाहते हैं किसान भाई, अंगूर की खेती, अमरूद की खेती करना चाह रहे हैं, संतरे खेती करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ये 28.5 HP का ट्रैक्टर है। अच्छा, 28.5 HP का ट्रैक्टर है। इसमें जो ये 3 सिलेंडर में है, डीजल से चलने वाला ट्रैक्टर है, जो किसान के लिए बहुत अच्छा है। ये 2-व्हील और 4-व्हील दोनों में चलता है। आप 2-व्हील में भी चला सकते हैं, 4-व्हील में चला सकते हैं, जैसे आपकी नीड होगी वैसे आप चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर के 21.5 HP का PTO पावर है। हाँ, और आपको मैं इसको इंजन भी दिखा देता हूँ खोल के, जिसमें आपके इसके साथ एक हम लोगों ने वेट भी दे दिया है इंजन के लिए। यहाँ पे एक लीवर दिया है, इसको खोलने के बाद आप इसको उठाएंगे तो आपके इंजन में आ जाएगा। इंजन में एक सेपरेट वाटर रिजर्वायर दिए हैं, जिससे आपको रेडिएटर में बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में बैटरी दे दिए हैं और 3 सिलेंडर में इंजन है। ये ड्राई एयर क्लीनर है, जो ड्राई एयर क्लीनर एफिशिएंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय तक चलता है। और इसके अगले टायर भी बड़े हैं। हाँ, 4 व्हील कितने साइज के हैं सर इसके? अभी भी टायर है भाई, 6-12 के अगले टायर हैं। और इसको आप जैसे इसमें हम लोग केयर बटन भी लगा देते हैं, जो आपको कभी भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आपको बात कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आता तो आप करके देखते हैं, ये केयर बटन है इसके। हाँ, यहाँ पे केयर बटन दिया गया है, इसको दबाने के बाद आपको पास कॉल आ जाए कस्टमर के पास, कस्टमर से सारी बातें होंगी और उसकी समस्या को सुलझाया जाएगा। इस ट्रैक्टर में यहाँ पे जो इससे खासियत है, इसकी ताकत ज़्यादा है और टर्निंग रेडियस कम है। टर्निंग रेडियस कम होने के कम जगह में हम घुमाव दे सकते हैं। अच्छा, जिससे हाँ रेडियस है वो आसानी से आप थोड़ी जगह में घूम जाएगा ये। इसमें आप जो बूमर होता है, आपको दवाई छिड़कने के लिए 600 लीटर के टैंक लेके चल सकता है। 600 लीटर? हाँ, 600 लीटर के पानी के लेके, जिसमें आप दवा डाल के चला सकते हैं। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने दे रखे हैं हाई लो गियर है, ये जो लियर हाई लो के सिलेक्शन के लिए है। इसके बगल में दे रखे हैं जो ऐसे 3 गियर हैं, 1-2-3 गियर होता है, एक रिवर्स के लिए होता है। 2-व्हील और 4-व्हील के लिए अलग से लीवर दे रखे हैं, जैसे आपको चलना हो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, DC और PC लीवर दे रखे हैं, जो पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लिए सिस्टम है। कितने केजी की है सर? इसकी 1000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है। हाँ, और PTO क्या दिया गया इसमें, कौन सा कितना PTO दिया गया? इसमें 540 PTO। हाँ, इसके लिए मल्टी हिच पॉइंट दे दिए हैं, जिससे आपको जैसी ट्राली की ज़रूरत हो वैसी जोड़ा जा सकता है। टॉप लिंक कंपनी देती है, आपको अगर टिपिंग ट्राली चलानी है हाइड्रोलिक वाले, उसके लिए दे दिए हैं, आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। एक टेल लैंप भी दिए हैं, जिससे आपको आसानी से चलाया जा सके। पिछले टायर की बात करें तो पिछले टायर भी इसके अच्छे हैं, जो 8-3 और 20 के टायर हैं। 8-3-20 से हमारे टायर दिए जाते हैं। ब्रेक की बात करें तो इसके ऑयल तेल वाले ब्रेक हैं, ऑयल इमर्ज ब्रेक जो होते हैं, तेल के ब्रेक दिया जा रहा, तो आप इसे अच्छे से चला सकते हो और लाइफ ज़्यादा होती है इसकी डिस्क। इसमें सेंटर लॉक भी दिए हैं, जिसको डिफरेंशियल लॉक भी कहा जाता है। यहाँ पे
आपको जैसे जरूरत पड़े तो इसको आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल से लॉक भी है जो अदर ट्रैक्टर में नहीं मिलता है, जो छोटा ट्रैक्टर और कंपनी देते हैं उसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता है, कभी आपको स्लिप करने लगेगा तो आप इसका यूज करके आसानी से निकल सकते हैं। और सर इसका जो फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का है? 30 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देते हैं, जिसमें हाँ जैसे जरूरत होती है। प्राइस की बात करें तो अभी एग्जीबिशन में सर ये प्राइस के तो डी हर एक जगह बैरी करती है, कंडीशन होते हैं उस हिसाब से। अपने एग्जीबिशन में एक शोरूम जो 4,75,000 की है। अच्छा, अब आप उसमें डीलरशिप क्या क्या दे रहा है वो अलग हो जाता है फिर, कि उसकी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी क्या है, कैश में फाइनेंस चार्जेस सब डीलर अलग लगाएगा। सर टू व्हील ड्राइव भी आता है क्या? नहीं सर इसमें टू व्हील में नहीं मिलेगा, इसमें फोर व्हील मिलेगा। हाँ हमारा एक G20 स्टील ट्रैक आता है जो 15 और 18 HP उसमें भी आते हैं, अगर कोई किसान चाहे तो टू व्हील में ले ले उसके लिए अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए हमें। तो देखिए किसान भाइयों कुछ इस प्रकार से ये ट्रैक्टर है पावर ट्रैक का यूरो G28 4x4 है जो। तो देखिए फ्रंट का गियर है जो इसका बेवेल गियर दिया गया है ताकि टर्निंग रेडियस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके लिए। बाकी भाई फ्रंट की लाइट देखिए, यहाँ पे आपको पावर ट्रैक की बेजिंग है वो देखने को मिलेगी। ऊंचाई है जो इसकी काफ़ी देर की है, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी दिया गया है, और बच्चे भी यहाँ पे जो फोटो क्लिक करवा रहे हैं। बाकी देखिए भाई इंडिकेटर देखिए कितना शानदार है जो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा। फुट स्टेप है वो सिंगल दिया गया है आसानी से ट्रैक्टर के ऊपर है जो चढ़ने के लिए। बाकी भाई मित्सुबिशी कंपनी के साथ में है जो तैयार किया गया है, ये डीजल ऑयल वगैरह क्या कुछ लिख रखा है। और बाकी ये देखिए भाई ये इस प्रकार से इसका मीटर है जो डिजिटल वो दिया गया है, और ये कुछ इस प्रकार से ड्राइवर बैठ सकता है यहाँ पे। तो किसान भाइयों वीडियो किसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच के। तो लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।